हेलो गाइस, वेलकम टू धनुका एक्री एकेडमी। आज हम इंसेक्ट विंग्स का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने व्हाट इज ए विंग्स क्या है और विंग वेनिशन के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देखिए। और आज पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे विंग टाइप्स और टाइप्स ऑफ विंग कपलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें विंग टाइप्स की, तो पहला जो विंग टाइप्स आता है वो आपका टेगमिना। टेगमिना इसका मेन कैरेक्टर्स क्या है देख लेते हैं अपन। ये लेदरी स्ट्रक्चर रहता है, मतलब बाहर से थोड़ा सा हार्ड रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है। ठीक है, एज ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का काम करता है। मतलब ये जो बॉडी रहती है इनकी, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, साथ में इनके हाइड विंग को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक, और ये जो रहता है जनरली फ्लाइट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसको आपको मेन जो इसका है आपको एग्जाम्पल याद रखना है, तो जो फोर विंग्स ऑफ कॉकरोच एंड ग्रास ओपर, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं विंग टाइप्स के, तो आपको याद रखना है। अब सेकेंड हम देखते हैं इलाइट्रा। इलाइट्रा क्या रहता है, ये हेविली स्क्लेरोटाइज रहता है। मतलब एक तरह से ये हार्ड स्ट्रक्चर रहता है, टफ स्ट्रक्चर रहता है, जो स्केलेटिन प्रोटीन के थ्रू बने बने रहता है। और इसमें विंग वेनिशन अब्सेंट रहता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में विंग वेनिशन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये टफ रहता है और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रहता है। टफ मतलब ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर का बने रहता है और प्रोटेक्ट करता है हाइंड विंग को और साथ में बॉडी को भी। और ये भी जो है फ्लाइट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसका जो मेन एग्जांपल है फोर विंग्स ऑफ बीटल्स एंड बीबल्स। ऑल टाइप ऑफ बीटल्स बीबल्स जितने भी कोलियोप्टेरा ऑर्डर के आते हैं, सारे मेनली सारे इंसेक्ट में ये इलाइट्रा टाइप का स्ट्रक्चर विंग्स पाया जाता है। अब थर्ड हम बात करते हैं हेमिलाइट्रा। ये इलाइट्रा का जस्ट हाफ रहता है। इसमें आप देखेंगे कि जो उसका बेसल हाफ रहता है, ये बेसल हाफ ये लेदरी स्ट्रक्चर रहता है लाइक ए टेगमिना। और जो डिस्टल हाफ रहता है वो मेम्ब्रेनस रहता है। मेम्ब्रेनस मतलब जो ट्रांसपेरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। और ये भी जो है फ्लाइट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस ये भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का काम करते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है हेटरोप्टेरन बग्स। इसमें रेड कॉटन बग आ जाते हैं, गंदी बग आ जाते हैं ऑल अदर। और फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं हाल्टियर्स। तो हाल्टियर जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है सीटी एग्जाम में, चाहे जेआरएफ एग्जाम में, चाहे आपके होम पीजी एग्जाम में हो। इसमें क्या है देखते हैं, ये क्या रहता है, ये मॉडिफाइड हैंड विंग्स रहता है। ठीक है, जो हैंड विंग्स रहता है ये मॉडिफाइड होके ए स्मॉल स्ट्रक्चर, लोब लाइफ स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। और इसका मेन काम क्या है, ये वाइब्रेटरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये करते हैं क्या, ये बैलेंसिंग करता है ड्यूरिंग फ्लाइट के समय, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि इंसेक्ट अच्छे से उड़ पाए। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है ट्रू फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जब छठवां नंबर जो है वो है स्केली विंग्स। स्केली विंग्स का मेन कैरेक्टर क्या है देख लेते हैं अपन। ये कवर्ड विथ स्मॉल कलर्ड स्केल्स। स्केल्स क्या होता है, ये छोटे छोटा आउटग्रोथ रहता है बॉडी वॉल का। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर रहता है। तो ये छोटे छोटे स्केल्स के थ्रू एक कॉम्बिनेशन बन के एक पूरा विंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये इसी के कारण क्या आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। कलर फॉर्मेशन का कारण क्या है, यही है आपका आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल जो रहता है आपके सेली विंग का, यही रहता है। इसका जो मेन एग्जाम्पल क्या है, आप देखेंगे जो बोथ विंग्स मतलब बटरफ्लाई जो मोथ के जो दोनों के फोर विंग और हैंड विंग्स रहते हैं, दोनों स्केली विंग्स ही रहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, या आपको और एग्जाम्पल देखना है डायग्राम के थ्रू तो आप गूगल कर लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सातवां नंबर, फीसर्ड विंग। फीसर्ड विंग क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड ट्वाइस फ्रॉम फोर्क लाइक स्ट्रक्चर। आप देखेंगे डायग्राम में ये ऐसा सीधा एक लीनियर लाइन गया है, और उसके साइड साइड में फोर्क लाइक हेयर्स, ठीक है, ये जनरेट हुए हैं। तो ये आपके फीसर्ड विंग्स कहलाते हैं। ये इसका मेन एग्जांपल आपको याद रखना है, क्योंकि प्लूम मोथ में ही स्पेशली पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये बोथ विंग, चाहे हाइंड विंग हो चाहे फोर विंग, दोनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं एट नंबर की, फ्रिंग विंग्स। ये क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है, रिड्यूस इन साइज। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत एट नंबर की फ्रिंग विंग्स की। ठीक है, तो फ्रिंग विंग्स में आप देखेंगे स्ट्रक्चर, आप देख रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो इनका साइज जो है बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और विंग मार्जिन जो रहते हैं फ्रिंग्ड विथ लॉन्ग सिटी। अब आप देखेंगे कि ये जो सीधा जो इनका लीनियर लाइन गया है विंग्स का, उसके साइड साइड में सिटी निकला हुआ है। सिटी मतलब आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ही इनका विंग फॉर्मेशन बनाते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसका भी आपको एग्जाम्पल याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मेन है थ्रिप्स। ये थ्रिप्स में ही पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।
अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। तो ये विंग स्टेप कैसा है, मेम्ब्रेनस विंग, ठीक है। इसकी क्या खासियत है, ये थीन रहता है, आप देख सकते हैं ये ड्रैगन फ्लाई में थीन रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब हम दोनों साइड देख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे सपोर्टेड बाय सिस्टम ऑफ ट्यूबुलर वेंस, मतलब जो ट्यूबुलर वेंस रहते हैं उनसे ये सपोर्ट रहते हैं पूरा, आप देख सकते हैं डायग्राम में पूरा क्लियरली दिख रहा होगा आपको। इसका जो मेन एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई, वास्प, बीज और डैमसल फ्लाई, इनके फोर विंग्स और प्लस हाइंड विंग्स दोनों दोनों मेम्ब्रेनस रहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें टेरोस्टिग्मा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है विंग में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेशली ड्रैगन फ्लाई में ही पाया जाता है या डैमसल फ्लाई में। अब बात करते हैं हम 9 नंबर सीडो हल्टियर, ठीक है। सीडो हल्टियर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें स्टेप्सिप्टेरा जो ऑर्डर के इंसेक्ट रहते हैं उनमें पाया जाता है, खासकर फ्रंट विंग मतलब फोर विंग में। तो ये क्या रहते हैं, शॉर्ट और मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड फोर विंग रहते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में ये रेड रंग का इंडिकेट किया गया है, यही आपका सीडो हल्टियर, मतलब ये हल्टियर का हाफ। ये आप देखते हैं डम्बल शेप, ठीक है, डम्बल शेप रहते हैं मतलब छोटे छोटे। तो आई होप ये आपको विंग स्टेप समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको जो जो बताया इंपॉर्टेंट है, खासकर हल्टियर, सीडो हल्टियर, फ्रिंग्ड, फिशर्ड विंग, ये आपको याद रखना है, साथ में एग्जाम्पल भी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं, तो हम बात करते हैं विंग कपलिंग अपार्टस और उसके मैकेनिज्म की। तो कोई भी इंसेक्ट ढूंढने के लिए उसके हाइंड विंग और फोर विंग का एक साथ होना बहुत जरूरी रहता है। और ये किसके थ्रू होता है, इनमें कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। बात करें जैसे लोब्स, ब्रिस्टल और स्पाइंस, ये सब स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स को एक साथ पकड़ के रखते हैं, जो क्या होता है विंग कपलिंग ऑर्गन्स कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करें अपने इंपॉर्टेंट विंग कपलिंग अपार्टस, हेमुलेट। हेमुलेट क्या रहता है, स्मॉल कर्व्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन कोस्टल मार्जिन ऑफ हाइंड विंग्स। आप ये देख सकते हैं, ये हनी वी के विंग का जो हाइंड विंग, हनी वी के विंग जो है हाइंड विंग के ऊपर एक स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर पाया गया, इसी को हम बोलते हैं हेम्यूली, आप ये देख सकते हैं। और ये क्या होता है, जो फोर विंग रहता है, फोर विंग के एनल मार्जिन, मतलब ये आप मानिए फोर विंग है और ये फोर विंग के एनल एनल ये एनल मार्जिन है आपका, ये एनल मार्जिन पे क्या अटैच हो जाता है, जिससे क्या है फोर विंग और हाइंड विंग एक साथ उड़ने में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम सेकेंड विंग कपलिंग टाइप्स की। तो ये होता है एम्प्लेक्सी फॉर्म टाइप्स, ये बहुत सिंपल फॉर्म होता है। इसमें हम देखेंगे डायग्राम में, हम देख सकते हैं जो कोस्टल मार्जिन हाइंड विंग का जो कोस्टल मार्जिन रहता है, ये हाइंड विंग है आपका और इसका जो कोस्टल मार्जिन है मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, और एनल मार्जिन ऑफ फोर विंग, ये एनल मार्जिन, ये फोर विंग है आपका, इसका नीचे वाला पार्ट एनल एनल मार्जिन, ये क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे क्या उनको उड़ने में मदद मिलती है। ये एग्जाम्पल इसका बटरफ्लाई है, ठीक है। ये जो भी विंग कपलिंग्स टाइप हैं, ये स्पेशली आपके जिनके बोथ विंग, फोर विंग और हैंड विंग, बोथ विंग क्या है उड़ने में हेल्प करते हैं, वही इंसेक्ट में ये पाया जाता है। और बात करें कॉकरोच और अदर वैसे इंसेक्ट की जिनका फोर विंग्स यूज फ्लाइट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, उनमें इस टाइप की कपलिंग अपार्टस प्रेजेंट नहीं होती है। अब बात करें हम जुगम टाइप और थर्ड जुगेट और जुगम टाइप, तो इसमें हम देखेंगे डायग्राम में जो फोर विंग का कोस्टल मार्जिन रहता है, ठीक है, ये ऊपरी पार्ट जो है फोर विंग का, यहाँ से एक लोब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम फीबुला कहते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो हाइंड विंग रहता है, ये हाइंड विंग के ऊपर अटैच रहता है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये क्या है, कभी कभी स्पाइंस के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, किसके, हाइंड विंग के अपर स्ट्रक्चर पर, तो इसी को ही हम जुगम कहते हैं। और ये क्या होता है, हैंड विंग और फोर विंग एक साथ अटैच हो जाते हैं, जिनसे उनको उड़ने में हेल्प मिलती है। इसका मेन एग्जांपल है प्रिमिटिव लेपिडोप्टेरन्स ऑफ द फैमिली ऑफ हैपिलिडी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर है फ्रेनुलम और रेटिनाक्यूलम। तो फ्रेनुलम में आप देखेंगे जो हाइंड विंग का स्ट्रक्चर है, इसमें एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। और फोर विंग की बात करें, नीचे साइड में रेटिनाक्यूलम पाया जाता है, ठीक है, ये भी हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिससे फोर विंग और हाइंड विंग एक साथ बने रहते हैं और इनका विंग कपलिंग अपार्टस तैयार हो जाता है। तो इसका जो मेन एग्जांपल है वो आपको याद रखना है मॉथ्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको
ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको एक चार्ट बना लें, और चार्ट बना के आप ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे बार बार देख रहे हो, और ताकि आपको देखते ही याद हो जाए, बार बार ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिए। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर, PDF, नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICR प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।